संत के जीवन, उनके विचार और चिंतन से श्रावक को प्रेरित कर सत्संग का लाभ देने हेतु प्रस्तुत है श्रीफल न्यूज का सत्संगी प्रयास संत वाणी। पुष्पगिरी पर चातुर्मास रत मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज के मुखारविंद से पर्युषण का नवा दिन, आत्मा का ध्यान ही है अंकिंचन धर्म। दश लक्षण धर्म का नवा धर्म है अंकिंचन। अंकिंचन धर्म आत्मा की उस दशा का नाम है जहाँ पर बाहरी सब छूट जाता है और आंतरिक संकल्प विकल्पों की परिणीति को भी विश्राम मिल जाता है। बाहरी परित्याग के बाद भी मन में मैं और मेरेपन का भाव निरंतर चलता रहता है, जिससे आत्मा बोझिल होती है और मुक्ति की ऊर्ध्वगामी यात्रा नहीं कर पाती। परिग्रह का परित्याग कर परिणामों को आत्म केंद्रित करना ही अंकिंचन धर्म माना गया है। अंकिंचन यानी त्याग करना, छोड़ने का दिन। मैं और मेरा का त्याग करना ही अंकिंचन्य धर्म है। घर लौटने का नाम भी अंकिंचन कहा गया है। घर से मतलब आत्म में लौटना। इसे थोड़ा यूं समझे कि आप सांप सीढ़ी के अंतिम पायदान 98 पर पहुंच गए, यहां से 99 पर गए तो यहां से गिरे तो जहां से यात्रा शुरू की थी वहीं पहुंच जाएंगे, और 100 पर गए तो विजेता हो जाएंगे। अपने अंतर्मन में झांक कर आत्मा की आवाज सुनते हुए त्याग करना सही मायने में इस धर्म को जीना है। यह आत्मा शरीर से भिन्न है, ज्ञानमयी है, उपमा रहित है, वर्ण रहित है, सुख संपन्न है, परम उत्कृष्ट है, अतिंद्रिय है और भय रहित है। इस प्रकार से आत्मा का ध्यान करना यही अंकिंचन है। आज का जाप ओम रीम उत्तम अंकिंचन धर्मांगाय नमः। मुनि पूज्य सागर जी महाराज, पुष्पगिरी। आज का नियम, आज के दिन मैं और मेरा का त्याग करें। भोजन करते समय परसी गई थाली में से एक सामग्री का त्याग करें।